हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष शर्मा मेकओवर्स। सो ये जो वीडियो है ये अमोनिया के ऊपर है। सो अमोनिया को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं कि अमोनिया हेयर खराब करता है, हेयर डैमेज करता है या फिर हमारे हेयर ग्रे करता है। सो आज हम अमोनिया के ऊपर ही बात करेंगे। सो अमोनिया की वीडियो स्टार्ट करने से पहले थैंक यू सो मच, मेरी जो पावर मिक्स की वीडियो थी उसने 5000 व्यूज कम्प्लीट कर लिए है। सो थैंक यू सो मच गाइस। अब हम बात करते हैं अमोनिया की। अमोनिया बेसिकली होता क्या है? सबसे पहला पॉइंट ये है कि होता क्या है। अमोनिया बेसिकली एक गैस होती है जो कि कलरलेस गैस होती है, जो कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बनती है, यानी कि NH3, उसको हम बोलते हैं अमोनिया। सो ये तो था अमोनिया होता क्या है। अब आते हैं कि हमारे हेयर में अमोनिया वर्क कैसे करता है, उसका काम क्या होता है। अमोनिया बेसिकली हमारे हेयर में क्यूटिकल्स को ओपन करने के लिए डाला जाता है। लाइक अगर आप कलर करते हैं या फिर आप स्मूथनिंग रिबॉन्डिंग या फिर आप केमिकल वर्क कराते हैं, सो अमोनिया हमारे हेयर में क्यूटिकल्स को ओपन करता है, जिससे कि आपका कलर पेनिट्रेट कर सके कोर्टेक्स में या फिर स्मूथिंग क्रीम आपके कोर्टेक्स में पेनिट्रेट कर सके। सो इसलिए अमोनिया डाला जाता है आपके कलर्स में या फिर स्मूथिंग क्रीम में या फिर आपके जो केमिकल सर्विस होती हैं उसके अंदर। सो ये तो था कि अमोनिया का काम क्या होता है एंड अमोनिया होता क्या है। अब हम बात करते हैं कि हमारे हेयर के लिए हार्मफुल है या नहीं, या फिर हार्मफुल है तो कितना हार्मफुल है। सो सबसे फर्स्ट पॉइंट है हार्मफुल में कि अगर आप कोई भी चीज़ एक्सेस में यूज़ करोगे तो वो हार्मफुल होगा ही होगा, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। सो अगर आप कलर भी एक्सेस में कराओगे या फिर स्मूथनिंग या फिर कोई भी ट्रीटमेंट या कुछ भी आप एक्सेस में कराओगे तो आपके हेयर को डैमेज करेगा ही करेगा। सो अगर आप नॉर्मल में जितनी आपको रिक्वायरमेंट है आप उतना ही कराओगे तो आपके हेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फर्स्ट पॉइंट था कि अगर आप एक्सेस में यूज़ करोगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है या फिर आएगी। सेकेंड पॉइंट है पीएच। अमोनिया आपके पीएच पर इफेक्ट डालता है। सो हमारे जो हेयर का पीएच होता है यानी कि नॉर्मल पीएच होता है वो होता है 4.5 से 5.5। सो अगर आप अमोनिया यूज़ करते हो यानी कि अमोनिया कलर जो यूज़ करते हो उसके जब आप कलर करते हो तो हमारा जो हेयर का पीएच होता है वो 4.5 से 5.5 जो होता है वो बढ़कर हमारा 10 या 10.5 तक चले जाता है। सो अमोनिया पीएच पर इफेक्ट डालता है। थर्ड पॉइंट, आपको अगर आप ज़्यादा कलर करोगे या फिर आप एक्सेस में कलर कर रहे हो या फिर आप एक्सेस में अमोनिया यूज़ कर रहे हो सो आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। लाइक आपको एलर्जी हो सकती है, इचिंग प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन इरिटेशन हो सकता है, रेडनेस हो सकती है स्किन में या फिर स्वेलिंग आ सकती है। सो ये कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको अगर आप कंटिन्यू अमोनिया यूज़ करोगे या फिर आप एक्सेस में अमोनिया यूज़ करोगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप कभी भी प्रेगनेंसी में कलर ना कराएं या फिर आप कोई भी ट्रीटमेंट ना लें। कोशिश करें कि अवॉइड करें प्रेगनेंसी के टाइम पर ट्रीटमेंट लेना, क्योंकि वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। सो कोशिश करो कि आप प्रेगनेंसी में ट्रीटमेंट ना लो। नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है हार्मफुल में कि अमोनिया जो होता है बेसिकली हमारे हेयर का मॉइस्चर खा जाता है, यानी कि हमारे हेयर के अंदर जो मॉइस्चर होता है सो मॉइस्चर निकल जाता है अगर आप एक्सेस में अमोनिया यूज़ करोगे तो। सो अगर हमारे हेयर से मॉइस्चर निकल गया तो हेयर ड्राई हो जाएगा, ड्राई दिखाई देगा या फिर रफनेस आएगी हेयर में, अनहेल्दी दिखाई देगा या फिर डलनेस आएगी हेयर में। सो ये कुछ पॉइंट्स थे हार्मफुल के ऊपर। अब आता है कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस यूज़ करनी है। प्रिकॉशंस बेसिकली आपको जो यूज़ करना है आपको शैम्पू एंड कंडीशनर या मास्क यूज़ करना है। सो अगर आप कलर कराते हो तो कलर केयर का ही आपको शैम्पू एंड कंडीशनर या फिर मास्क यूज़ करना है या फिर कलर प्रोटेक्टिंग मास्क या शैम्पू यूज़ करना है। सो वो इसलिए दिया जाता है जिससे कि आपके हेयर में जो भी प्रॉब्लम है कलर से रिलेटेड या फिर अमोनिया से रिलेटेड या फिर जो भी आपका पीएच बढ़ा है वो मेंटेन रहे, वो नॉर्मल रहे 4.5 से 5.5। इसलिए कलर प्रोटेक्टिंग शैम्पू यूज़ करना बहुत ज़रूरी है या फिर आप स्मूथनिंग करा रहे हो तो स्मूथनिंग का शैम्पू यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। सो फर्स्ट पॉइंट था शैम्पू एंड कंडीशनर या फिर मास्क। सेकंड पॉइंट है ट्रीटमेंट्स। सो आपको ट्रीटमेंट्स लेने हैं। अगर आप स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग करा रहे हो तो आपको स्पा कराना है, स्पा करा सकते हो या फिर आप घर में ट्रीटमेंट ले सकते हो नेचुरली ट्रीटमेंट्स। कलर करा रहे हो तो कलर के स्पा लेना है। सो आप स्पा करा सकते हो, पावर मिक्स ट्रीटमेंट करा सकते हो। सो आप मेरी YouTube वीडियोस पे जाके देख सकते हो, मैंने उसके अंदर कुछ ट्रीटमेंट्स बताए हैं जो कि बहुत ही हेल्पफुल है। सो आप वहाँ जाके देख सकते हो। सो ये थे प्रिकॉशंस, दो प्रिकॉशंस हैं बहुत ही अच्छे हैं, शैम्पू कंडीशनर एंड मास्क एंड ट्रीटमेंट्स। सो लास्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि माइंड में बहुत आता है आजकल कि अमोनिया और अमोनिया फ्री कलर्स में क्या डिफरेंस होता है, अमोनिया क्या होता है और अमोनिया फ्री कलर्स कौन से होते हैं। सो कुछ लोग बोलते हैं कि अमोनिया फ्री कलर्स होते हैं उनका अंदर अमोनिया नहीं होता है, सो डिफरेंस क्या होता है। सो बेसिकली अमोनिया फ्री कलर्स जो होते हैं उसके अंदर होता है मोनो इथेनॉल अमोनिया, जो कि अमोनिया का ही ऑल्टरनेट होता है। बेसिकली अमोनिया जो होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, उसके मुकाबले अमोनिया फ्री कलर्स जो होते हैं वो थोड़ा इफेक्ट कम करते हैं, लेस इफेक्टिव होते हैं हमारे हेयर के लिए। सो ये डिफरेंस होता है। सो इसको पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका ये है
जब आप कलर मिक्स करते हो तो आप स्मेल करके दे सकते हो, अगर आपके कलर में ज़्यादा स्मेल आ रही है दैट मीन्स आपके कलर में अमोनिया ज़्यादा है। एंड अगर आपके अमोनिया फ्री कलर्स में क्या होता है, स्मेल कम होती है। अगर आप स्मेल करके देखोगे अमोनिया फ्री कलर तो उसके अंदर स्मेल कम होगी, सो इफेक्टिव कम होता है। अमोनिया जो कलर होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, अमोनिया फ्री कलर्स आपके लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, मतलब उतना ज़्यादा नहीं चलते जितना आपका अमोनिया कलर चलता है। सो अब आपको डिसाइड करना है आपको अमोनिया कलर यूज़ करना है या फिर अमोनिया फ्री। सो ये था मेरा अमोनिया के ऊपर वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। एंड थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।